हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष फ्रॉम टीम क्रिप्टो 24। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डंप हो चुकी है और बहुत लोग ने यहाँ पे पैनिक सेलिंग भी कर दी और बहुत लोग हैं जो एल्ट्स में फंस चुके हैं। अभी वो परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अपने लॉस को कैसे रिकवर करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आगे आपको बताने वाले हैं अगर आप किसी भी एल्टकॉइन में फंस गए हैं तो वहाँ पर हमें अपना जो लॉस है उसको कैसे रिकवर करना चाहिए, इस टाइम पर हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम खास कुछ कॉइन के बारे में बात करेंगे, जैसे एक्सीएम, एडीए और सीएचजेड, और साथ ही साथ हम आपको दूसरे कॉइन में भी इसी तरह आइडिया दे देंगे कि अगर आप वहाँ पर स्टक हो तो आपको इस टाइम पर क्या करना चाहिए। तो पहले हम बिटकॉइन के प्राइस से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जब यहां पे 56,000 चल रहा था तब इसने एक ट्रायंगल, यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। टॉप पे जब ऐसे ट्रायंगल फॉर्म होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर के साइड होता है, बट यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकडाउन हुआ यहां पे नीचे के साइड पे। जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा था हमने अपने टेलीग्राम पे तुरंत ही वॉइस में अपडेट कर दिया था और सबको बता दिया था कि अगर आप किसी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड में हो तो एग्जिट कर जाओ, क्योंकि यहां पे जो हो सकता है मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो कभी भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो उसका एक परफेक्ट रीटेस्ट होता है। जब तक अगर उसका रीटेस्ट नहीं होता है तब तक हम परफेक्टली कुछ भी नहीं करते। जैसे अगर आप देखो यहां पे बिटकॉइन का यहां पे अगर ब्रेकआउट होता तो एक रीटेस्ट होता और रीटेस्ट सक्सेसफुल होकर प्राइस ऊपर जाता तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता। इसी तरह जब यहां पे ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पे डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमें पता था यहां से एक रीटेस्टिंग लेगा और मे बी इस लेवल को ये यहां से क्रॉस कर जाए। बट जब ये एक डिमांड जोन का काम कर रहा था तो इसी तरह इसने एक सप्लाई जोन का यहां पर काम किया। जब ये प्राइस थोड़ा नीचे आया तो सेम इसी टाइम पर एलन मस्क की न्यूज आई कि वहां पे हम टेस्ला में बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। बट उसके बाद ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट की गई यहां पे, और जैसे ही प्राइस यहां पर ऊपर गया आप देख सकते हो परफेक्टली इसने यहां पे सप्लाई जोन का काम किया और प्राइस सीधा वहां से डंप हो गया। तो जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज थी उसने यहां पर इस कैंडल के फॉर्म होते ही अपनी जितनी भी ट्रेड्स थी उससे एग्जिट कर दिया। हमने अपने टेलीग्राम पे लगातार वॉइस में अपडेट दिया सबको कि जैसे जैसे सिचुएशन बन रही थी वहां पे हम लोगों को बता रहे थे कि क्या करना था, और 90% लोग वहां पर सेफ है। लेकिन ऐसे टाइम पे भी कुछ लोग क्या किया, उन्होंने टॉप पे एंट्री ले ली एल्ट्स में, वो अभी उसमें फंस चुके हैं। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहां तक जा सकता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उस एल्ट्स में क्या करना है। तो अभी आप करंट में अगर प्राइस देखो तो 51,700 करीब चल रहा है। अभी यहां पे एक सपोर्ट है जो बहुत, हम इसको ज्यादा हार्ड सपोर्ट नहीं कहेंगे, जो इसको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हो 50,000 यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी सपोर्ट है। बट अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद हम एक लेवल देख सकते हैं 47,200 का। उसके बाद अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो बहुत ही हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 42,000 के पास। 42,000 से लेके 41,500 तक का हमें सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई एल्ट्स हैं तो आप उसको होल्ड करो। अगर आपके पास, आप किसी नए एल्ट्स में एंट्री लेने को सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लेना जब तक यहाँ पे वन डे पे कहीं पे भी डबल बॉटम नहीं क्रिएट होता है। मतलब एक इस तरह का आप समझो, यहाँ पे एक ऐसे बॉटम क्रिएट होना चाहिए, बॉटम के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, एग्जैक्टली उसी जगह पे सपोर्ट लेना चाहिए। फिर जब प्राइस ऊपर की तरफ रैली लगाएगा तब जो पुराना हाई होगा उसको तोड़ के रैली लगाएगा, तब आप एक नए कॉइन में एंट्री ले सकते हो। अभी कुछ लोग जो हैं वो एक्सीएम में फंस चुके हैं, अभी उनको हम बता देते हैं कि एक्सीएम में आपको क्या करना है। तो आप देखो, अगर आपने एक्सीएम में एंट्री ले रखी है, आपने किसी भी पॉइंट पे यहां पे एक्सीएम में एंट्री ले रखी है, तो अभी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक्सीएम ने बहुत ही एक स्ट्रांग सपोर्ट को होल्ड करके रखा हुआ है इस जगह पे। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक प्राइस पॉजिटिव है, हम एक रैली यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला लेवल जो होगा वो 779 का होगा, सेकंड लेवल जो है उसका होगा ये 912 का होगा, और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा यहां पे 1104 का। और उसको ब्रेक करता है तो प्राइस यहां से सीधा 1400 तक भी जा सकता है। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर प्राइस डेली क्लोजिंग, एक भी क्लोजिंग अगर 545 के नीचे हो जाती है तो आपको इस कॉइन में बिल्कुल भी नहीं टिकना है, क्योंकि उसके बाद इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बियरिश हो जाएगा और आपका जो लॉस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर आपने इस पॉइंट पर एंट्री करके रखी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बताता हूँ मेजोरिटी ऑफ पीपल ने इस पॉइंट पर एंट्री क्यों ली, क्योंकि इस पॉइंट पर ज़्यादातर जितने बड़े चैनल होते हैं, फ्री चैनल होते हैं, वो न्यूज़ दिखाते हैं कि एक्सीएम में इतनी इतनी न्यूज़ आने वाली है, मार्च में 31 मार्च को ये न्यूज़ आने वाली, वो न्यूज़ आने वाली। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि न्यूज़ की, जब न्यूज़ मार्केट में आती है उससे बहुत पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास न्यूज़ पहले ही
पहुंच जाती है तो वो वहीं से बाइंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस कॉइन का प्राइस देखो तो यहाँ पे जो इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ था वो जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था और जनवरी से लेकर यहाँ तक इसका प्राइस ऑलरेडी काफ़ी पंप हो चुका था। तो लोग जो एंट्री लेने से पहले कभी भी चार्ट को नहीं देखते हैं, जब वो उसमें फंस जाते हैं तो कभी वो उसके बाद उसका चार्ट देखते हैं। अगर आप जनवरी से इसका प्राइस देखो तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 2x हो चुका था, 3x हो चुका था, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना ही नहीं था किसी भी लेवल पर, बट लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली और भी पूरे तरीके से वो फंस चुके हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले रखी है तो अभी आप क्या कर सकते हो, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी पंप आता है तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करने का ट्राई करना, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा फिर नीचे आता है, जैसे आप देखो यहाँ से प्राइस ऐसा तो है नहीं कि 90 डिग्री में ऊपर गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो आप यहाँ से देखोगे प्राइस इस तरह एक लैडर की तरह ऊपर गया है। तो प्राइस अगर इस पॉइंट पर आता है फिर प्रॉफिट बुकिंग करना, इस पॉइंट का दोबारा लो का वेट करना, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करना, इस तरह करते करते आप छोटे छोटे अमाउंट से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आना तो वहाँ से आप ट्राई करना कि आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि हो सकता है मे बी इसमें एक बड़ा पंप वेल्स से इसमें एक बड़ा पंप करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जिस कॉइन में ज़्यादा लोग स्टक होते हैं वेल्स कभी ना कभी उनको एक बार पंप करने का जरूर ट्राई करती हैं। यहाँ पे जो डंपिंग हुई है ये कोई नॉर्मल डंपिंग नहीं है, ये जो पंप हुआ है ये तो नॉर्मल पंप है, क्योंकि ये पंप आप देखो इस पंप और इस डंप में कितना बड़ा अंतर है, ये पंप जो हुआ है ये नॉर्मल पंप हुआ है एक लैडर की तरह, लेकिन ये जो डंप हुआ है ना इसको आप 90 डिग्री तो नहीं बोल सकते बट 90 डिग्री की तरह ही बोल सकते हो कि आप डंप हुआ है। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मार्केट प्राइस पे यहाँ पे सेलिंग हुई है, बड़े बड़े बैग्स खाली हुए हैं यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को समझो थोड़ा। और मार्केट में जो ये फ्री ग्रुप चलते हैं जितने भी होते हैं कभी भी उनके किसी के भी कहने पे इन्वेस्ट मत करो, खुद की रिसर्च करो, तभी बोला जाता है हमेशा कि खुद की रिसर्च करो। अगर आप खुद की रिसर्च नहीं करोगे तो मार्केट में आप कभी भी प्रॉफिट नहीं अर्न करने वाले हो। तो आगे हम चलते हैं दूसरे कॉइन पे, एडीए पे चलते हैं। यहाँ पे एडीए में बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडीए जो है वो बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कॉइन है। बट अगर आप तब भी यहाँ पे लेवल जाना चाह रहे हो, अभी देखिए एडीए पे हमारी टेक्निकल एनालिसिस तब से है जब ये बहुत ही नीचे लेवल पे ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हो ये जो चार्ट है बहुत छोटे टाइम फ्रेम का है, बट उसके बाद जब से एडीए ने यहाँ पे हाई बनाना शुरू किया ये परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जिसको आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 आवर का चार्ट खोल के रखा है लेकिन मैं 4 आवर पे आपको दिखा देता हूँ एडीए को, कि आप उतना मेरे एनालिसिस में मत जाना, मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप एग्जैक्टली बस उसी चीज़ों को देखना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे जो इसका लो है उसके बाद ये दूसरा लो बना, ये लो इससे हाई, ये लो जो था इससे हाई था, उसके बाद फिर ये लो जो इससे हाई था, फिर एक लो आया उसने ट्राई किया इसको तोड़ने का बट सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर आप देख सकते हो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ पे आ गया, अभी ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो आप 4 आवर पे भी देख सकते हो अगर एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, आप प्राइस देख लो यहाँ पे 1.03, अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग देती है फिर परफेक्ट रीटेस्ट करेगी, और रीटेस्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है जैसा कि बिटकॉइन के चार्ट पे हमने आपको दिखाया, आप दोबारा देख लो एक इस तरह का अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडल इस तरह बनाती है, एक दोबारा रिटेस्ट करती है और सक्सेसफुल हो जाता है, जैसा ड्रॉप आप बिटकॉइन में देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम ड्रॉप आप एडीए में देखेंगे, इस बात को आप पहले ही जान लीजिए। और ये जो प्राइस है उसके बाद मैं एक कंफर्मेशन और बताता हूं, प्राइस आप नोट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल रे लगा लेना यहां पे 0.95, अगर ये लो है जो ये पुराना लो है, यहां पे एक लो दो लो और आप तीसरा भी यहां पे कंसीडर कर सकते हो, अगर इस लो से नीचे एक भी क्लोजिंग हो जाती है एडीए की तो आप समझ जाना कि इसका जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है और प्राइस इसका डंप करेगा। डंप करने के बाद इसका जो आप टारगेट है वो टारगेट आप ये मान सकते हो, इसका अगला टारगेट होगा 0.81 के बाद दूसरा टारगेट होगा 0.69 के बाद दूसरा तीसरा होगा 0.52 और एस पर चलता रहेगा और 0.37 तक आएगा। मैं यहाँ पे किसी को पैनिक नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें चार्ट्स पे दिख रही हैं मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप फॉलो करना चाहो तो इन चीज़ों को फॉलो करके सेफ रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लोजिंग वीक बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग चलती है, आप देख लो ये प्राइस के नीचे टाइमिंग चलती है, ये जब पूरा होता है तब उस कैंडल की क्लोजिंग होती है, यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो इस चीज़ को, यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद आखिरी कॉइन के बारे में बात करना चाहेंगे, यहाँ पे हम CHZ कॉइन के बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए इस कॉइन पे हम ट्रेड तब से कर रहे हैं जब इस कॉइन के, यहाँ पे आप एनालिसिस देखो, चार्ट बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, कि इस कॉइन में हम उस मंथ में ट्रेड कर रहे थे जब इस कॉइन का प्राइस यहाँ पे 99 करीब चल रहा था, हमने इससे यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया है, बट लोग इसमें अब ट्रेड कर रहे हैं जब ये ऑलरेडी 10x पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, तो मैंने आपको बताया जितनी भी मेजोरिटी ऑफ टाइम जितना भी ट्रायंगल इतने टॉप पे फॉर्म होता है उसका जो ब्रेकआउट होता है वो अपसाइड होता है, बट यहाँ पे आप देखो एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, आप इसको डिमांड जोन भी बोल सकते हो, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, अगर इसका एक भी कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है इसके एग्जैक्टली, ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपने चार्ट पे प्लॉट कर लेना क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो
मुझे लगता है जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी बहुत ज़्यादा 1,030 सतोसी पे की होगी, उससे ऊपर किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आपने यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट की है, आप यहाँ पे कहीं हो 5-10% डाउन हो, उसके बाद यहाँ पे अगर देखो वीक बनने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया होता आपका हिट हो गया होता। अगर आप देखो एक भी क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत रुकना, आप तुरंत एग्जिट हो जाना, वरना आप 34% का लॉस तो आपको होने ही होने वाला है। ये मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, कुछ मानते हैं, वो लोग इस चीज़ पे यहाँ पे बिलीव कर सकते हैं। अगर एक भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर फॉर्म होती है, रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होती है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, जिसमें टारगेट जो हमारा होने वाला है वो पहला टारगेट होगा 1093, दूसरा टारगेट होगा 1175, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई को टच करेगा 1523 पे। और अगर इसको भी सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा पंप हमको देखने को मिल सकता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप इसमें फंसे हुए हो और आप ज़्यादा लॉस नहीं चाहते हो, तो आप इसके नीचे एक बार ध्यान रखना, 4 आवर की क्लोजिंग होते ही, 4 आवर से 1 डे का अगर आप वेट करोगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा। 4 आवर की क्लोजिंग होते ही इसके नीचे अगर एक भी क्लोजिंग होती है और दोबारा रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट अगर फेल होता है तो अच्छी बात है, नहीं फेल होता है तो आप एग्जिट कर जाना यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस कुछ ही देर में आपको 601 पे देखने को मिलेगा। ये सारा प्राइस डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस पे, तो इतने कॉइन्स पे नजर रखने से अच्छा बिटकॉइन के प्राइस पे आप नजर रखो, क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से पॉजिटिव मूव दिखाता है, ऊपर की तरफ रैली दिखाता है, तो यहाँ पे सारे कॉइन्स जो है वो उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। और अगर ये ऐसा नहीं करता है, नीचे की तरफ डंप होता है, तो हमें पूरा बिलीव है कि ये सारे कॉइन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ही करेंगे। तो सारी स्ट्रेटजीज आपको बता दी गई हैं, और मैं कुछ कॉइन में ऐसा बोलना चाहूंगा जो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनको आपने होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे मैं कॉइन की बात करूंगा यहाँ पे एल्गो कॉइन की बात करूंगा, टीआरएक्स कॉइन की। हाँ, मैं टीआरएक्स कॉइन का भी यहाँ पे आपको अपडेट दे देता हूँ कि टीआरएक्स कॉइन में हमें उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो चैनल था, चैनल बना हुआ था, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया, सक्सेसफुल रीटेस्ट किया, बट ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, अभी यहाँ पे करंटली सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे चांसेस है कि ये इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं करेगा और यहाँ से हमें ऊपर जाने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप, मैं इसका आपको BTC पेयर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप अगर देखो तो, अगर आप यहाँ पे TRX का प्राइस देखो BTC पेयर में, तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है जो है 100 के पास, बट इस टाइम पर 104-105 एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे बाइंग बहुत मजबूत है, तो इसके नीचे प्राइस आना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको होल्ड करें तो TRX आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। हमारे जो टारगेट्स हैं, पहले भी आप देख सकते हो 115 का हमारा पहला टारगेट था, कई लोग ने यहाँ पे 35% तक का प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, और दूसरा जो टारगेट है वो अभी हमारा ओपन है 132 और 141 का। तो अगर आप TRX होल्ड कर रहे हो तो मैंने आपको USDT और BTC पेयर में दोनों बता दिया, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू।